मतलब कितना अच्छा लगता है ये खेती का जो है ये हो रहा है चायपत्ती का बगान। दोस्तों अभी हम लोग बॉर्डर आ चुके हैं, बंगाल का भी यही पर है और आसाम का भी यही पर है, बस बंगाल पार करेंगे। इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, ये वाला रोड इन लोगों को बना देना चाहिए था। अभी थोड़ा चेकिंग स्टार्ट हो गया है, बिल्टी ये लोग चेक करते हैं, बिल्टी निकाल के रख दिए हैं। जहाँ मिलता गैस वो भर लेते हैं, एक केजी मात्र लेना है, एक केजी बाबू देना। दोस्तों अभी अभी मालूम चला हमको कि आनंद महिंद्रा सर जो है वो महिंद्रा कंपनी का ओनर है, तो उन्होंने हमारे विषय में ट्वीट किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपसी का फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग सिलीगुड़ी पार कर गए थे और हम लोग रुके थे रात में पंगा होटल में, फिर वहाँ सुबह चले हैं, तो हमारा सफर अभी चालू ही है। अब हम लोग थोड़ा देर में हमको लगा यहाँ से 50-60 किलोमीटर बॉर्डर होगा आसाम, फिर हम लोग इन कर जाएंगे, हम लोग फिर अपना सफर जो है चालू ही रहेगा। तो अभी हम लोग आए हुए चायपत्ती बगान में, ये सब नज़दीक से देखने का मज़ा ही कुछ और आता है, जैसे लग रहा है कि पूरा ज़मीन है। मतलब कितना अच्छा लगता है ये खेती का जो है ये हो रहा है चायपत्ती का बगान, बीच बीच में पेड़ भी है, पेड़ तो और मतलब खूबसूरत बना देता है इसको, काफ़ी ज़्यादा धसा हमको लगा कि 3 फीट है ज़मीन से, 3 फीट है। कहीं कहीं चायपत्ती लोग तोड़ रहा है, जिसका उम्र हो गया तोड़ने का तोड़ ले जा रहा, हम लोग तो पता नहीं कौन सा तोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, हमको पता नहीं। ये सब फैक्ट्री प्लांट में जाता है, फिर जाकर चायपत्ती वगैरह बनता है, तो लगता है कि ज़मीन एकदम लेवल जैसा। देखिए रास्ता भी कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये बीच बीच से रास्ता बना हुआ है, इधर उधर कटिंग भी कर सकते हैं। चायपत्ती का खेती तो दोस्तों हम लोग देख लिया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए आज शाम में तो कैसे भी करके हम लोग शाम तक तो पहुँच जाएंगे ना गुवाहाटी। हाँ शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ जो खेती कर रहा है पानी उनी का उसमें नहीं है, जैसे लगा दिया जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह कर्नाटक कहीं देते गन्ना का फैक्ट्री, गन्ना का जो खेती होता है एक बार लगा दिया उसको पानी उनी की जरूरत नहीं पड़ता उतना, उस टाइप का ये भी है, कोई पानी का सिस्टम नहीं देख रहे हैं, तो लगा दिया हर साल होते ही रहता है ये। चलते हम लोग भी सफ़र काटते हैं, अभी काफ़ी लंबा सफ़र है। तो अभी हम लोग थोड़ा गाड़ी रोके हैं, जा रहे हैं कुछ नाश्ता लाने के लिए, बिस्कुट वगैरह जो भी मिल जाएगा वो ले लेंगे। यहाँ बगल में ही दुकान है, वो रहा बिस्किट है भैया, ये दीजिए 40 रुपये, एक ये दे दीजिए, और वो गुड डे ये सब आता है ना वो भी दे दीजिए। दोस्तों ले तो लिए बिस्किट वगैरह यही सब मिला और ब्रेड भी ले लिए, तो यही आज का हमारा नाश्ता हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग बॉर्डर आ चुके हैं, बंगाल का भी यही पर है और आसाम का भी यही पर है, बस बंगाल पार करेंगे, मतलब साथ में ही सब बैरियर लगा हुआ है। देखिए कितना गाड़ी सब खड़ा है, सब अपना कुछ ना कुछ काम कराता है, कोई सामान लेता है, कोई गाड़ी का काम कराना वो गैरेज का तो वो कराता है, या फिर गैस भराना, सब्जी लेना, राशन लेना, सब अपना अपना कुछ ना कुछ यहाँ रोक करके सब चीज़ होता है। और यही चीज़ अगर पीछे हम लोग नहीं रोक सकते हैं, पीछे कहीं रोकेंगे तो फट से फाइन कर देगा, तो यहाँ पर आदमी रोक सकता है। देखिए कितना गाड़ी लगा हुआ सब देने वाए, चलते हैं हम भी जो सिस्टम है, देखिए फाइल निकाल लिए गाड़ी का, आप दिखाएंगे वहाँ कांटा पे, और उसके बाद अपना गेट पास वगैरह लेकर फिर हम भी निकल जाए आसाम इन कर जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके आसाम के बॉर्डर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे तो अपना कांटा वगैरह कुछ होगा नहीं, सीधे जाएंगे। और हम लोग नहा लिए थे आज सुबह सुबह, तो सारा कपड़ा भी पीछे सूखने के लिए दे दिए है, ये भी सूख जाएगा। अभी क्या कि इधर मौसम बहुत अच्छा किया हुआ, धूप एकदम नहीं है ये देखें, और आज शायद सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ है, अपने साइड में तो नहीं दिख रहा है, तो छांव है पूरा, ऐसा कुछ गर्मी भी आज नहीं लग रहा है। इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, ये वाला रोड इन लोगों को बना देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, इधर भी गड्ढा है उधर भी गड्ढा है, रास्ता थोड़ा ख़राब है। सुबह से दोस्तों जब हम लोग नहा धो आगे निकले तब से मतलब कहीं भी रुके नहीं है, मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा, तो चलने का मन कर रहा है, तो अभी चलते ही रहेंगे। आज तो सफ़र हमारा अच्छा कट जाएगा, आज रेस्ट भी नहीं करना है, और खाना भी आज नहीं बनाया हम लोग गाड़ी में, सत्तू है, सत्तू घोल के पी लेंगे, वही आज का हमारा हो जाएगा। अभी थोड़ा चेकिंग स्टार्ट हो गया है, बिल्टी ये लोग चेक करते हैं, बिल्टी निकाल के रख दिए हैं, बिल्टी दिखाएंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। दोस्तों अभी हम लोग बॉर्डर तो क्रॉस कर चुके हैं, अभी थोड़ा रुके हुए गैस भरवाने के लिए, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ गैस वाले थे, तो 1 kg अभी इसमें आ जाएगा, अब ज्यादा खाली नहीं था तो 1 kg में भर जाएगा। अभी जहाँ मिलता गैस वो भर लेते हैं, 1 kg मात्र लेना है, 1 kg बाबू देना। देखो काटा हो गया 700, कई बार ऐसा होता है कि कहीं नहीं मिला तो दिक्कत हो जाता है, उसके लेके भर लेते हैं, यहाँ मिल गया तो भर लिए 1 kg 200। गैस तो भर गया दोस्तों, गैस को रख देते हैं पीछे, गैस हमारा यहाँ सीट के पीछे ही रहता है, दिखता भी नहीं है, और इससे हम लोग ऐसे ढक देते हैं, हो गया।
दोस्तों अभी हम लोग आसाम में हैं, बॉर्डर वाले से पार कर गए, तो यहाँ पे हम लोग सत्तू खा रहे हैं। अभी हम लोग दोपहर में क्या है कि ज़्यादा तो नहीं चलता है खाना होना, तो देखिए सत्तू लेके आए थे रामगढ़ से ही, तो ये सत्तू अभी पी लेंगे। ऐसे तो आदमी सुबह भी पी लेता है कोई बात नहीं, लेकिन शाम में पीता है, कभी भी सत्तू कभी भी मैं पी सकता है। ये चना का सत्तू होता है, और चना का सत्तू क्या है कि पेट ठंडा भी रहेगा, पेट पूरा उन्हें भरा हुआ कर देगा, आपको खाली पानी बस पीना है और शरीर को एकदम ठंडा रखेगा। इसमें हम लोग डालते हैं प्याज मिर्चा बारीक कटा हुआ और नमक डालेंगे, तो कई लोग तो मिठाई बनाते हैं गुड़ वगैरह डाल करके, हम लोग नमकीन का ही डालते हैं। ये देखिए हमारा हो गया है, दो गिलास बनाएंगे, दो ही गिलास में हम लोग का पूरा हो जाएगा। चलते पानी डालते हैं इसमें अभी। ये देखिए दोस्तों नमक वमक सब डाल के रेडी है, अब प्याज वगैरह भी डालेंगे, उसको थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। तो दुकान वाला सब जो बेचने वाला वो दलघोटनी बोलते हैं उससे मिलाता है, तो अपने पास तो है नहीं, तो इसी से हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह अच्छी तरह से मिलाते हैं अब इसको। काला नमक भी है, काला नमक भी थोड़ा सा डालेंगे और बहुत ही अच्छा लगता है ये। गर्मी में बहुत चलता है हमारा यूपी बिहार झारखंड में सत्तू बहुत चलता है गर्मी में। दोस्तों अच्छी तरह से सत्तू मेरा घुल गया, गिलास में हम डाल दिए प्याज नींबू मिर्चा डाल दिए, नमक भी डाल दिए। अब ये देखिए उसमें डालते हैं, थोड़ा गाढ़ा ही बना लेते हैं हम लोग और खा कर बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा देर इसको खाने के बाद एकदम पेट ठंडा रहेगा एकदम। ये देखिए चना का सत्तू होता है, ऐसे मकई उकई का बहुत भी होता है बिहार में, हर चीज़ का मिलता है। बहुत सारी जगह दुकान में देखिएगा मकई का जौ का बहुत सारे आइटम है, हम उतना नाम भी नहीं बता पा रहे हैं, और सबका कई बार मिला के भी सब बनाते हैं सत्तू या सान के भी खाते हैं मोटा। चलिए खाते सत्तू अभी। बहुत ही अच्छा लगता है गर्मी के समय में ये। दोस्तों अभी अभी मालूम चला हमको कि आनंद महिंद्रा सर जो है वो महिंद्रा कंपनी का ओनर है, तो उन्होंने हमारे विषय में ट्वीट किया कि बहुत ही अच्छा लगा हमको कि हमारे विषय में कुछ लिखे कुछ बताए, तो मतलब बहुत ही हमको खुश लग रहा है कि आनंद महिंद्रा सर इतना बिजी आदमी और हमारे लेकर के कुछ बताएँ, वो हमारे देखे होंगे वीडियो उसके बाद हमारे विषय में कुछ लिखें, ये मतलब हमको इतना आज खुशी हो रहा है कि बोले क्या बताएं आप लोगों को, बहुत ही हमको आनंद आ रहा है। कितना बड़े लोग हैं वो, उनके पास टाइम नहीं रहता है, बहुत बिजी आदमी है और हमारे विषय में ट्वीट करके बताए वो, तो बहुत ही हम खुले बहुत बहुत उनका धन्यवाद। दोस्तों एक चीज़ और कहेंगे कि हमारा जो चैनल इतना बड़ा हुआ है उसमें बहुत बहुत अपना आप लोग का सपोर्ट है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है आज उनके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग के बदौलत हमारा चैनल इतना बड़ा आज हुआ है और इतने बड़े बड़े लोग जो है वो हमको आज जान रहे हैं, तो इसमें धन्यवाद आप लोग को भी, आप लोग का सपोर्ट के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो ठीक है दोस्तों अब हम लोग गाड़ी लेके भी निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमको लोकेशन भी मिल चुका है, पार्टी से ही बात हो गया, और ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हमको गुवाहाटी का नो एंट्री का लफड़ा नहीं है इसमें। नो एंट्री से कम गुवाहाटी से हमको लग रहा है कि 15-20 किलोमीटर पहले ही हमारा गाड़ी खाली हो जाएगा, वहाँ नो एंट्री कोई नहीं, आराम से बोले हैं कि आराम से आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ नो एंट्री वाला नहीं। हमको लोकेशन भी मिल गया है तो हम यहाँ से निकलते हैं और कल हमारा गाड़ी, ये चीज़ है कि पाइप है जिसे हाथ से लोडिंग करने में वहाँ दिन भर लगा, हो सकता है कि खाली करने में भी समय लग जाए, क्योंकि बड़ा पेटी उटी माल रहता है तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये सब एक एक करके हाथ से निकालना खाली करना, तीन लाइन में माल है तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ठीक दोस्तों निकलते हैं यहाँ से अभी। दोस्तों अभी छोटा सा ब्रेक लिए हैं और शाम के 7 बज रहा है, तो वही शाम में जो चाय पीने वाला जो काम है वही चाय पी रहे हैं, सुबह एक शाम एक दो ही हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, शरीर हाथ में थोड़ा दर्द आ गया था मेरा, तो अभी दर्द कर ही रहा है, तो ऐसा होता है साल में एक बार होता है कि शरीर अंदर टूटता है, तो उतना मतलब चावल वावल देखकर खा ही नहीं रहे हैं, गोद लोग बोलते हैं चावल खाने से ऐसा होता है, तो उसे तो नहीं खा रहे अभी हम छोड़े हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों सफर तो अभी है मेरा, अभी यहाँ से कम यहाँ से 150 किलोमीटर सफर है, तो जहाँ जाना है गुवाहाटी से बाहर ही है, तो किसी पे किसी जगह रुकेंगे, पार्टी बोले कि भाई उस एरिया में मत जाइएगा रात में, सुबह आइएगा दिन में आराम से, तो देखते हैं कोई अच्छा होटल देकर रुकेंगे, फिर वहाँ से सुबह सुबह गाड़ी लेकर चलेंगे और फिर सीधा फैक्ट्री तक पहुँचा देंगे। तो ठीक है चाय पीते हैं अभी। दोस्तों अभी हम लोग चाय तो पी ली, अभी यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखिए ये रहा लोकेशन जहाँ पे हम लोग को जाना है, ब्रिज से पहले ही है कुछ हवेलिया करके है वेयर हाउस, ये रहा हवेलिया वेयर हाउस, तो यहीं पे जाना है, ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है, हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी हमारा सफ़र ज़्यादा नहीं रह गया है, तो हम लोग देख रहे हैं आगे एक चौक आता है, वहाँ से हम लोग मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं गुवाहाटी के लिए, और यही वो मोड़ जो इधर भी एक बॉर्डर पड़ता है बक्सीहाट, उधर से भी रोड आगे यही मिलता है। पहले हम लोग जब डाला गाड़ी लेके आते थे तो उधर से ही आते थे, और ये रोड मतलब काफ़ी ख़राब था, बन रहा था, तो हम लोग उधर से ही आना जाना था, यहीं आके मिलते थे हम लोग। और आगे जाके को देखेंगे कोई ढाबा हुआ अच्छा देखेंगे वहाँ रुकेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ढाबा है यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ का फ़ायदा है कि आपको पार्किंग भी बहुत मिलेगा बड़ा बड़ा, और ढाबा भी मिलेगा बड़ा बड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। रोड साइड में कोई गाड़ी नहीं, सब ढाबा के अंदर पार्किंग में। तो ठीक है दोस्तों वहाँ से सुबह सुबह निकलेंगे और वहाँ से जो रोड भी फाँका मिलेगा, अब निकल के जाकर जगह पर पहुँच जाएंगे।
दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम लोग आ गए हैं पार्किंग में। तो ये देखिए, अच्छा पार्किंग मिला, होटल है राजस्थानी ढाबा, बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ, तो हम लोग भी यहीं गाड़ी लगा दी है। तो अब क्या है कि यहीं पे रुकेंगे, अब यहाँ से सुबह सुबह आराम से फिर जाएंगे, ऐसे भी 10 बजे के आसपास वो लोग बुलाए हैं। और दोस्तों अभी हमको एक और न्यूज़ मिला कि अभी आज तक न्यूज़ में भी पापा के बारे में बताया जा रहा था, तो हम लोग तो दोस्तों अभी देखे नहीं, अभी हम लोग को घर से फोन आया ना, घर से ही फोन आ रहा है और कुछ सब्सक्राइब भाई लोग का भी कमेंट भी आ रहा है कि आपको इसी न्यूज में दिखाया जा रहा है। अभी तक हमको नसीब नहीं हुआ देखने का कि हम तो गाड़ी ही चला रहे हैं और अभी तक हम देखे नहीं है, शायद घर वाला देख लिया, इतना काफी है मेरे लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं होटल पे, गाड़ी को दोस्तों अभी पूरा लॉक कर लेते हैं। दोस्तों खाना खाने के आने के बाद फिर थोड़ा देर बैठेंगे तो फिर देखेंगे किस किस न्यूज में आया और क्या क्या और भी क्या मैसेज आया था वो सब कुछ अभी देखेंगे आराम से। पहले खाना खा के आते हैं, दोपहर में खाना खाया नहीं था इसलिए थोड़ा भूख लग गया है। पापा तो चले भी गए, पार्किंग पूरा भर गया, इधर भी गाड़ी लगा हुआ है, इधर भी गाड़ी लगा हुआ है और हम लोग यहाँ थोड़ा पीछे लगाए हैं, तो ये बस अगर निकलेगा तो फिर हम लोग को उठाएंगे। देखिए रात में तो नहीं निकलेगा शायद, देखते हैं गार्ड साहब से क्लियर बात कर लेते हैं, कहीं हो सकता है गाड़ी कहीं दूसरे जगह लगाना पड़ जाए, या यहाँ रहेगा तो ठीक है, क्योंकि फिर सब एडजस्ट करना पड़ रहा है गाड़ी इधर उधर सब, कौन कितना भी जाने वाला, गार्ड लोग का यही काम है, कौन कितना भी जाने वाला पहले पूछ लेता है, उस हिसाब से गाड़ी लगाता है कि किसी गाड़ी फंसे नहीं, आदमी निकल जाता, पूछते भी हम भी। बस तो निकल गया दोस्तों, अब उसके बाद गाड़ी को बस इधर डाल देंगे हम लोग। दोस्तों गाड़ी हम लगा लिए हैं और बहुत ही अच्छी जगह लगा दी है, मतलब ये लोग का क्या है कि सेटिंग रहता है कौन कितना जाने वाला है, तो हम निश्चित हो गए, अब खाना खा के हम आराम से हो सकते हैं। हम ऐसे 5 बजे चलेंगे, ज़्यादा बचा नहीं है, 50 किलोमीटर और है, 50 से 60 किलोमीटर तो हम जगह पहुँच जाएंगे। तो हमारा खाने का तो भी आ गया है, तो भिंडी भुजिया हम बोले थे, हाँ ये भिंडी भुजिया है और ये तो सेव भाजी है, सागर तो सेव भाजी खाता है, उसका सेव भाजी आ गया, साथ में आलू वगैरह चटनी वगैरह सब तो देता ही है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाना खाते हैं। अभी दोस्तों खाना खा के आ गए, अब जा रहे सोने की तैयारी हमारा, क्योंकि आज तो हमारा गाड़ी कहीं स्टॉपेज भी नहीं हुआ, कंटिन्यू गाड़ी चलते ही रहा, तो बैठे बैठे कई बार शरीर जगड़ जाता है, अभी जा रहे सोने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आप जो जा रहे सोने सो मिलते हैं आप लोग से। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हमारा दूसरा दिन है, सुबह सुबह तो हम लोग फैक्ट्री के अंदर आ गए थे। ये देखिए ये गोडाउन है, तो गोडाउन में जैसा कि हम लोग को बोला गया था कि पूरा बंद रहता है, वैसे ही पूरा बंद है, कोई आया नहीं अभी तक। तो अब देखिए 10 बजे के बाद ही कोई आएगा, तब जाके हमारा एंट्री होगा, तब गाड़ी खाली होना भी स्टार्ट होगा। और ये पापा थोड़ा जल्दी आ गए थे हम लोग आ गए थे टाइम से, आ जाते जल्दी, हमारा नींद तो सुबह ही खुल जाता है 4 बजे, तो हम वहाँ से निकल गए थे। तो आए तो यहाँ पर देख सकते, ये गोडाउन भी नया है, नया नया गोडाउन बना हुआ है, अब हो सकता है हम जो पाइप लाए हैं वो इसी में यूज होगा कि यहाँ से रख के कहीं बाहर सेल होगा, वो तो खैर उन लोगों का काम है, क्या करेंगे वो लोग, तो हम लोग तो खाली होने से मतलब है, तब इंतजार कर रहे हैं हम तो, पहले आ गए, अब 10 बजे बाद ही सब बाबू लोग आएंगे, साहब लोग आएंगे, तब खाली होगा अपना गाड़ी। और दोस्तों जो हम लोग कल बताए थे कि पापा के बारे में न्यूज में आया था आज तक न्यूज में, वो हम देखे अभी जाके, लिंक मिला हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार पापा को टीवी में देखे ना, पहली बार हम टीवी में आए, इससे पहले आपको देखे थे आपका शादी का कैसेट में टीवी में। ओह सही बात, हम भी बहुत खुश हो रहे हैं आज की, हम भी मतलब टीवी पे आ गए हैं, न्यूज के जरिए आ गए, बहुत अच्छा लगा सुन के। हमारे घर से भी फोन आया था कि न्यूज पे आ रहा, कुछ दोस्त यार का भी कॉल आया था कि राजेश भाई आप तो न्यूज पे आ रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर के। तो कल तो हमको दो दो खुशी मिला, सबसे पहला खुशी तो मिला था आनंद सर के जरिए जो हमारे विषय में ट्वीट किए, और उसके बाद शाम तक फिर न्यूज भी आने लगे, आज तक में आ गए, इंडिया न्यूज में आ गए और भी कई न्यूज में आ गए। हमारा एक दोस्त रहते तेलुगु में, तो वो वहां से कॉल किए कि तेलुगु भाषा में यहाँ पे तुम्हारा न्यूज चल रहा है, तो वो भी भेजे थे हमको लेकिन तेलुगु समझ नहीं पाए हम, तो बोले कि बहुत अच्छा लगा सुनकर के, बाद में देख रहे शाम तक इधर भी इंडिया न्यूज में भी और आज तक में भी हमारे विषय में बताने लगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि हमको देख करके हमारे विषय में ही बताया जा रहा है टीवी पर। तो हालांकि दोस्तों ये तो आनंद सर के जरिए ही पता चला होगा, आनंद सर पहले हमको ट्वीट किया उसके बाद हम न्यूज में आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि हमारे विषय में बताए, उसके बाद हम यहाँ न्यूज में आ गए। दोस्तों यहाँ आने के बाद हम लोग नेटवर्क देखे तो नेटवर्क भी यहाँ पर नहीं बता रहा, तो हो सकता है हम लोग को मेन रोड यहाँ से करीब 2 किलोमीटर यहाँ से बाहर मेन रोड है, तो मेन रोड में हो सकता है जाने के बाद नेटवर्क मिल जाए। और नया जगह क्या जाने से थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत क्या होता है कि दुकान वगैरह नहीं रहता है, पानी उनी कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अगर पानी का समस्या होगा तो हो सकता है बाहर में एक ही मात्र गार्ड है, अब गार्ड से ही पूछेंगे कि अगर हमको खाना बनाना पड़ गया या नाश्ता करना पड़ गया तो वो सब गार्ड से पूछेंगे कहाँ पानी मिला क्या मिलेगा। अब पुराना जगह जा रहता है वहाँ तो वर्कर लोग काम करता था, खुद अपना मतलब रूम लेकर रहता है तो बता देता है कि यहाँ पानी है, ये है, ये नाश्ता दुकान है, तो अभी तो देख सकते नया नया है, पूरा बंद है पड़ा हुआ, पूरा नया ही गोडाउन है अभी। तो ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हमारा आगे का सफर का, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय और जय हिंद दोस्तों।